हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सिस बैंक के बारे में, देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स और परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्सिस बैंक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है लार्ज एंड मिड कॉरपोरेट्स में, MSME में, एग्रीकल्चर और रिटेल बिजनेसेस को। और इसकी जो 2900 ब्रांचेस थी इसमें फाइनेंशियल ईयर 2016 में, जो कि बढ़ के 4586 ब्रांचेस हो गई हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगर बात करें इसकी सब्सिडरीज कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड है, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, ई ट्रेड्स लिमिटेड 67% शेयर होल्डिंग है इसमें, एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 75% की शेयर होल्डिंग है इसमें, एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड है, एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड और फ्री चार्ज और मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें इनका करीब 13% का स्टेक है। सो अभी जो प्रेजेंटली जो बैंक है वो 4586 ब्रांचेस को ऑपरेट कर रहा है और जिसमें से 30% जो इसकी ब्रांचेज हैं वो मेट्रो सिटीज में हैं और जो बाकी बची हैं वो अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में हैं। और एक और जो प्लस पॉइंट है, इस बैंक का फोर्थ लार्जेस्ट इशूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स है, ये 70,500 ATMs एंड कैश डिपॉजिट विदड्रॉल मशीन्स पूरे नेशन में ऑपरेट करता है। और अगर देखें कि इसकी जो पार्टनरशिप है इस बैंक की किस किस कंपनी से है, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कि पैसा बाजार, इंडिया लैंड्स, अपना पैसा, क्रेडिट मंत्री, माई मनी मंत्रा, माई लोन केयर, और आप देखेंगे कि ओपन, जुपिटर, फ्री चार्ज, क्रो, स्क्रिप्ट बॉक्स, क्वेर ऐप और बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं, ओला इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, ब्लैकबक, कार देखो, हुंडई, टाटा मोटर्स, MG, सो बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इसकी पार्टनरशिप है जहाँ से उसको अच्छा खासा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। अगर की स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो ग्रॉस NPA है 3.44% का, जो कि अच्छा माना जाता है, और नेट NPA 0.74% का है, और कासा रेशियो 42% जो कि बहुत ही अच्छी है, जितना ज़्यादा कासा रेशियो होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 241,098 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस इसका 785 रुपीज़ का है, और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 15 का है, और ये बैंक डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है 0.13%, अपनी फेस वैल्यू का 0.13% देता है डिविडेंड यील्ड। सो रिटर्न ऑन इक्विटी है 13% का और 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ है 9% और 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 29% का, 5 ईयर प्राइस CAGR देखें तो 10% का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर डेप्थ की बात करें, डेप्थ टू इक्विटी 1.52 का है। सो ये फंडामेंटल्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। अगर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसमें 47% का जो स्टेक है वो FII के पास है और 31% स्टेक DII होल्ड करता है और 12% पब्लिक के पास है और 10% जो प्रमोटर्स के पास है। सो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग है और FII और DII दोनों ही काफ़ी बुलिश लगते हैं। सो रिवेन्यू की बात करते हैं, तो रिवेन्यू कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पे देखते हैं, जून 2021 में 16,301 करोड़ का था और जून 2022 में 19,193 करोड़ का हो गया, तो कंटिन्यू इसका जो रिवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, तो जून 2021 में 2,374 करोड़ का था और सितंबर 2021 में 3,382 करोड़ का था और जून 2022 में बात करते हैं तो 4,389 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कंटिन्यू ये इसके फंडामेंटल्स और स्ट्रांग होते जा रहे हैं, कंटिन्यू इसका जो प्रॉफिट है वो ग्रो होता जा रहा है। अगर EPS की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो जून 2021 में 7.69 का था जो जून 2022 में 14.27 का पहुंच गया, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे हो रहे हैं इसी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज़ कर रहा है। सो अगर हम टेक्निकल पे देखें, तो इसमें हाल ही में एक चीज़ ये देखी गई है कि जो ये इसने अपना ब्रेकआउट दिया है,
सो पहले ये ऐसे यहाँ पे यहाँ से ऊपर से यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर यहाँ पे नीचे वाली ट्रेंड लाइन पे ये सपोर्ट लेने आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, अब यहाँ से ये वापस से बाउंस बैक किया है और यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे जो इसका लेवल है 770 रुपये का, 770 का ब्रेकआउट लेवल है इसका। अगर देखते हैं कि ये इसका जो पहला हर्डल होने वाला है 790 रुपीज़ को, 790 रुपीज़ का एक हर्डल माना जा सकता है कि 790 रुपीज़ को ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे ये वापस से 819 रुपए का टारगेट, पहला टारगेट दिखा सकता है और हो सकता है कि यहाँ से ये 819 रुपए पे जाए और यहाँ पे वापस से ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आ जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से 819 रुपए के आसपास के पास निकले और यहाँ से वापस ये इस 790 के लेवल को रिटेस्ट करे और फिर ये ऊपर यहाँ से निकल सकता है। सो ये जो ब्रेकआउट हुआ है तो और इसमें जो टारगेट भी अच्छे दिए जा रहे हैं ब्रोकर्स के द्वारा, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है उस तरफ। सो और इसमें जो टारगेट भी दिए जा रहे हैं करीब कल, जो 1130 रुपये का टारगेट दिया गया है BSE परिभाष के द्वारा और ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी 1050 के टारगेट दिए हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।